सब्सक्राइब करें हमारा चैनल न्यूज ब्रॉडकास्टिंग टीम, बेल बटन दबाएं और नोटिफिकेशंस पाएं। व्हाट्सएप भारत में अगले हफ्ते तक पेमेंट सर्विस लॉन्च कर सकता है, लेकिन इसके पार्टनर्स पूरी तरह से तैयार नहीं हैं। इस मैसेजिंग ऐप के पार्टनर्स की लिस्ट में HDFC बैंक, ICICI बैंक और एक्सिस बैंक का नाम शामिल है। साथ ही सभी जरूरी तैयारियों के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम भी इस लिस्ट में शामिल हो जाएगा। सभी ट्रांसफर्स इन्हीं पार्टनर्स के जरिए किए जाएंगे। भारत में व्हाट्सएप पेमेंट की एंट्री को WeChat से जोड़ा जा रहा है, जिसने चीन में मैसेजिंग से आगे बढ़ते हुए वहां पेमेंट्स को नया रूप दिया था। व्हाट्सएप पे के पायलट वर्जन की शुरुआत फरवरी में 10 लाख यूजर्स के साथ की गई थी। इसके जरिए अब कोई भी व्यक्ति आसानी से पेमेंट कर पाएगा। इसके लिए सबसे पहले आपको व्हाट्सएप अपडेट करना होगा। ऐसा करने के बाद सेटिंग्स में जाकर कुछ जरूरी परमिशंस को एक्सेप्ट करना होगा। इसके बाद बैंक अकाउंट को कनेक्ट करना होगा। ये सारी प्रोसेस कर लेने के बाद अटैचमेंट ऑप्शन में आपको पेमेंट का ऑप्शन दिखाई देने लगेगा। इसके जरिए आप किसी अन्य यूजर को आसानी से कुछ ही सेकंड्स में पेमेंट कर पाएंगे। व्हाट्सएप मैसेजिंग का उपयोग भारत में 20 करोड़ से भी ज्यादा लोग करते हैं। ये आंकड़ा अमेरिका के 60% आबादी के बराबर है और पेटीएम के एक्टिव यूजर से 20 गुना ज्यादा है। रोशनी, न्यूज ब्रॉडकास्टिंग टीम, दिल्ली।